डीडी न्यूज पर। नमस्कार, डीडी न्यूज के इस विशेष समाचार प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी कुंभर, मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी मनीषा। रुक करते हैं सबसे पहले सुर्खियों का। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन और प्रचार का काम जोरों पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तेलंगाना में दो जनसभाएं, तेलंगाना सीएम भी करेंगे दो जनसभाएं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की राजस्थान के 12 में रैली। पांच दिवसीय सेना कमांडर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में होगा शुरू। सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर होगी विशेष चर्चा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज वियतनाम के विदेश मंत्री बुई थान सोन के साथ भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 18वीं बैठक की करेंगे सह अध्यक्षता। आर्थिक व्यापार और वैज्ञानिक के साथ साथ तकनीकी सहयोग पर होनी है चर्चा। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में इजराइल हमास युद्ध पर संयुक्त राष्ट्र ने कहा गजा में जमीनी युद्ध से पहले 10 लाख लोग हुए विस्थापित। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा गजा पर कब्जा करना इजराइल की होगी भूल, हमास के खात्मे को बताया जरूरी। और आईसीसी विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच मुकाबला लखनऊ में आज। दोनों टीमों की पहली जीत पर नजर। कल भारी उलट फेर में अफगानिस्तान ने मौजूदा चैंपियन इंग्लैंड को 59 रन से दी मात। और आइए अब जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार को रफ्तार देना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज व्यस्त चुनावी कार्यक्रम रहने वाला है। राजनाथ सिंह तेलंगाना के हुजूराबाद और महेश्वरम निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा करेंगे। वो यहां चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं बीआरएस प्रमुख और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव प्रदेश के जनगांव और भुवन नगरी में सार्वजनिक रैलियों को संबोधित करेंगे। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी मिजोरम की दो दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। वे प्रदेश में चुनावी कार्यक्रमों में शामिल होंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यात्रा का शुभारंभ करेंगे। साथ ही वे राजस्थान के 12 से पार्टी के आधिकारिक चुनाव अभियान की भी शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह आज राजनांदगांव में अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। इस दौरान रमन सिंह के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। रमन सिंह के नामांकन के लिए पार्टी ने जोरदार तैयारियां की हैं। राजनांदगांव के स्टेट स्कूल मैदान में आम सभा आयोजित की गई जिसे गृहमंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में दो चरणों में चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण के तहत 7 नवंबर को वोटिंग होनी है जबकि दूसरे चरण की वोटिंग 17 नवंबर को होगी। पहले फेज में 20 सीटों पर मतदान है जिसमें बस्तर संभाग के अलावा राजनांदगांव और उसके आसपास की भी सीटें शामिल हैं। बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव ने राज्य विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में बीआरएस ने सौभाग्य लक्ष्मी योजना लागू करने का आश्वासन दिया जिसे राज्य में हर एक पात्र महिला को प्रत्येक महीने 3,000 रुपये दिए जाने की बात कही गई है। घोषणा पत्र में चल रही योजना रायतु बंधु योजना से प्रति एकड़ 16,000 रुपये देने का प्रस्ताव किया गया। वहीं सामाजिक कल्याण पेंशन में 5,000 रुपये और दिव्यांगों को 6,000 रुपये प्रति महीने पेंशन देने की घोषणा की गई।
इसके अलावा सभी पात्र परिवारों को रसोई गैस सिलेंडर 400 रुपये में उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया गया। बीआरएस 119 विधानसभा क्षेत्रों में से 115 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुका है। इस बीच कांग्रेस ने राज्य विधानसभा चुनाव के लिए 55 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। इस सूची में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और लोकसभा सांसद रेवंत रेड्डी और सांसद उत्तम कुमार रेड्डी का भी नाम शामिल है। पहली सूची में कई निवर्तमान विधायकों को भी टिकट दिया गया। वहीं कांग्रेस ने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। मध्य प्रदेश के लिए 144, छत्तीसगढ़ के लिए 30 उम्मीदवारों की सूची को जारी किया गया है। वहीं कांग्रेस ने कल तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए 55 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। इस लिस्ट में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और लोकसभा सांसद रेवंत रेड्डी और सांसद उत्तम कुमार रेड्डी का नाम शामिल है। पहली सूची में कई निवर्तमान विधायकों को भी टिकट दिया गया। वहीं कांग्रेस ने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। मध्य प्रदेश के 144, छत्तीसगढ़ के लिए 30 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है। सेना कमांडरों का सम्मेलन इस महीने की आज से 20 तारीख तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस शीर्ष स्तर में द्विमासिक सम्मेलन में भारतीय सेना ने संबंधित नीतिगत निर्णयों के बारे में विचार विमर्श किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 18 अक्टूबर को सम्मेलन में शामिल होंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे और वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी का लाभ उठाने के विषय पर व्याख्यान भी देंगे। सेना का शीर्ष नेतृत्व भारतीय सेना की रणनीतियों से संबंधित तैयारियों की समीक्षा के अतिरिक्त वर्तमान और भविष्य की सुरक्षा गतिविधियों के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इसमें मौजूदा तैयारियों, संबंधित परिवर्तन प्रक्रिया, प्रशिक्षण मामलों और मानव संसाधन प्रबंध जैसे विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जाएगा। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर वियतनाम की 4 दिवसीय यात्रा पर हैं। एस जयशंकर आज अपने वियतनामी समकक्ष बुई थान सोन के साथ आर्थिक, व्यापार और वैज्ञानिक, साथ ही साथ तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 18वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। अपने दौरे के दौरान वे द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। रविवार को विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने वियतनाम के बाक निन में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर का राजधानी हनोई में वियतनाम के विदेश मंत्री बुई थान सोन ने उनके पारंपरिक रूप से स्वागत किया। वियतनाम पहुंचकर विदेश मंत्री ने ऐतिहासिक ट्रॉन क्वाक पैगोडा का भी दौरा किया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां देखे मारियो अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भोलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड, अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न्स से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटीड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या एड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। ब्रेक के बाद का स्वागत। रुक करते अन्य खबरों का। उत्तरी गाजा में इसराइली सेना जमीनी युद्ध के लिए तैयार है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कल एक बार फिर हमास को खत्म करने की बात दोहराई है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि लगातार इसराइली बमबारी और हमास कमांडर्स को निशाना बनाकर जमीनी हमले की चेतावनी के बाद पिछले सप्ताह गाजा पट्टी में 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए। इस बीच इसराइल ने गाजावासियों से दक्षिण का क्षेत्र भी खाली करने का आग्रह किया। इस बीच हमास ने लोगों से इसराइल के संदेश को
नज़रअंदाज करने के लिए कहा है। इस बीच राजनयिक प्रयासों के तहत हमास नियंत्रण पट्टी में मिस्र से सटी नियंत्रित सीमा को फिर से खोलने पर चर्चा जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक निजी चैनल को दिए गए साक्षात्कार में कहा कि अगर इजराइल एक बार फिर से गजा पर कब्जा करना चाहता है तो ये उसकी भूल होगी। बाइडेन ने कहा कि हमास का खात्मा ज़रूरी है, लेकिन साथ ये भी कहा कि हमास फिलिस्तीनी लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करता। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने उम्मीद जताई कि इसराइल युद्ध के नियमों के तहत आगे की कार्रवाई करेगा। साथ ही उन्होंने ईरान के कदम पर कहा कि ईरान सीमा पार कर युद्ध को बढ़ाने का काम ना करे। साथ ही अमेरिकी सेना की तैनाती पर उन्होंने कहा कि उन्हें ये ज़रूरी नहीं लगता। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत की और इस दौरान अमेरिकी सैन्य समर्थन और नागरिकों की सुरक्षा के बारे में चर्चा की गई। बाइडेन ने सभी देशों से आतंकवादी संगठन के रूप में हमास की निंदा करने का आह्वान किया। वहीं उन्होंने कहा कि हमास फिलिस्तीनी लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वेस्ट बैंक के फिलिस्तीनी प्रशासन के अध्यक्ष महमूद अब्बास के साथ भी बातचीत की है। इसराइल हमास चल रहे युद्ध के बीच बाइडेन ने गाजा में नागरिकों को मानवीय आपूर्ति प्रदान करने की इच्छा जताई। बाइडेन ने कहा कि वो गाजा में मानवीय आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र में सभी भागीदारों के साथ लगातार काम कर रहे हैं। वहीं महमूद अब्बास ने कहा कि हमास की गतिविधियाँ फिलिस्तीनियों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। बात क्रिकेट की। 5 बार के विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की टीम आज क्रिकेट विश्व कप में श्रीलंका के सामने होगी। ये मुकाबला लखनऊ के एकाना स्टेडियम में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका दोनों को विश्व कप में अपनी पहली जीत की तलाश है। ऑस्ट्रेलिया को अपने पहले मैच में भारत से जबकि दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका से हार का मुंह देखना पड़ा। वहीं श्रीलंका की बात करें तो इस टीम को अपने पहले दोनों मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। टीम को पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका से हार मिली। ऑस्ट्रेलिया का टॉप ऑर्डर अपने नाम के अनुरूप प्रदर्शन करने में नाकाम रहा, जबकि गेंदबाजों का प्रदर्शन अच्छा था। श्रीलंका की बात करें तो टीम की कमान कुसिल मैंडिस के हाथों में होगी। दरअसल दासुन शनाका चोट के चलते विश्व कप से बाहर हो गए हैं। वहीं अफगानिस्तान ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में गत विजेता इंग्लैंड को भी 59 रन से हराकर बड़ा लौटफेर किया। इंग्लैंड की टीम के विश्व कप में ये दूसरी हार है। इससे पहले इंग्लैंड को पहले मैच में न्यूजीलैंड से हार का सामना करना पड़ा था। इंग्लैंड को सिर्फ एक जीत बांग्लादेश के खिलाफ मिली। अफगानिस्तान की 3 मैचों में ये पहली जीत है। इससे पहले टीम को बांग्लादेश और भारत के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। अफगानिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 49.5 ओवर में सभी विकेट खोकर 284 रन बनाए। इसके जवाब में इंग्लैंड की टीम 40.3 ओवर में 215 रन बना पाई। इंग्लैंड की ओर से हैरी ब्रूक ने सर्वाधिक 66 रन बनाए। अफगानिस्तान के लिए राशिद खान और मुजीबुर रहमान ने 3 विकेट और मोहम्मद नबी ने 2 विकेट लिए। आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी तप त्याग वैराग्य सदाचार और संयम की देवी है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से जीवन की हर समस्या और संकट का निवारण होता है। विद्यार्थियों के लिए माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा फलदायी मानी जाती है। नवरात्रि के दूसरे दिन आज देशभर के मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में आज सुबह आरती की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल का दौरा करने वाले हैं और इस दौरान वे कोलकाता के सियालदा में दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन करेंगे। ये पंडाल राम मंदिर की थीम पर बना है। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा त्यौहार है और अमित शाह ने पहले भी उत्सव के दौरान राज्य का दौरा किया था। इससे पहले कल गृहमंत्री अमित शाह ने नवरात्र के पहले दिन गुजरात के गांधीनगर के मानसा में बहुचर माता मंदिर में पूजा अर्चना की। अमित शाह ने मानसा में मंदिर की में पूरे परिवार के साथ आरती में हिस्सा लिया। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने देशवासियों को त्यौहार की शुरुआत में शुभकामनाएं भी दी। फिलहाल इस विशेष समाचार प्रसारण में इतना ही। मुझे और मनीषा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।